पालमपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत चाचियां नगरी ने एक ऐसा उदाहरण पेश किया है जो संकट के इस दौर में हर किसी को सोचने पर मजबूर करता है। संकट की इस घड़ी के दौरान गिरते मानवता को देखकर मानवीय सरोकार में संवेदनशीलता का बेहतरीन उदाहरण वहां पेश किया गया है। नगरी निवासी 75 वर्षीय शकुंतला देवी पत्नी मनसा राम की कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो गया था और ये अपने ही घर पर होम आइसोलेशन पर थी। एसडीएम धर्मेश रामोत्रा ने बताया कि पंचायत प्रधान जगदम्बा देवी ने शकुंतला देवी की मौत की सूचना उन्हें दी और उनके अंतिम संस्कार प्रशासन के द्वारा किए जाने की गुजारिश की। एसडीएम ने बताया कि प्रशासन की प्रेरणा से ग्राम पंचायत के उप प्रधान संजीव कुमार और युवक मंडल ने अपने स्तर पर अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी निभाकर एक अनोखा उदाहरण पेश किया है। एसडीएम ने बताया कि इन्हें पीपीई किट इत्यादि उपलब्ध करवाकर कोविड-19 नियमों के अनुपालना के साथ अंतिम संस्कार कर एक सराहनीय उदाहरण पेश किया है। इसके पश्चात पंचायत ने सभी जगह को सैनिटाइजेशन का काम भी अपने स्तर पर किया है। एसडीएम पालमपुर धर्मेश ने बताया कि बैजनाथ उपमंडल की ग्राम पंचायत सहल के 43 वर्षीय देशराज और ग्राम पंचायत नरगोड़ा गांव चोंबू के 72 वर्षीय रजमल जिनका देहांत एमएच पालमपुर में हुआ था उनका भी अंतिम संस्कार ग्राम पंचायतों ने अपने स्तर पर करके सराहनीय उदाहरण पेश किया है। प्रशासन 3 पंचायतों के इस सराहनीय पहल के लिए उनका आभार व्यक्त करता है और उन्हें कहा कि अगर अन्य पंचायतें भी इस काम में आगे आएंगी तो प्रशासन की दिक्कतें कम हो सकती हैं। नमस्कार, जैसा कि आपको मालूम ही है कि आजकल कोविड-19 की जो पीक है वो चली हुई है। हमारे पास जिला कांगड़ा में बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, सिमिलरली उपमंडल स्तर पे भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। मैं पालमपुर उपमंडल और बैजनाथ उपमंडल के कुछ सराहनीय कार्यों के बारे में आपसे परिचर्चा करना चाहूँगा। जैसा ही हमें मालूम पड़ता है कि कोई कोविड की डेथ हुई है तो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग जो हैं उनके दाह संस्कार के लिए आगे नहीं आ पाते हैं। अभी हमने सारे पंचायत प्रधानों से बातचीत भी की थी, उनके साथ बैठक भी की थी कुछ वक्त पहले, और वो कुछ ऐसी पंचायतें हैं जहां से पंचायत प्रतिनिधि आगे आए हैं और युवक मंडल वहां के कुछ जो ऐसे स्वयंसेवी संगठन हैं वो भी आगे आए हैं। मैं विशेष रूप से बात करना चाहूँगा कि अभी पिछले कल ही चचिया में एक डेथ हुई थी और उसी तरह आज सेल पंचायत हमारी बैजनाथ की वहाँ पे भी और चोबू में भी एक डेथ हुई थी। तो वहाँ पे पंचायत प्रतिनिधियों ने जो स्थानीय हमारे युवक मंडल थे या कोई स्वयंसेवी संगठन थे उनके साथ मिलके एक मानवता का परिचय देते हुए दाह संस्कार का कार्य करवाया और इसके साथ सैनिटाइजेशन का भी उन्होंने कार्य जो था वो अपने स्तर पर किया। मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा बड़ा क्षेत्र है पालमपुर उपमंडल का, बैजनाथ उपमंडल का और अन्य सब डिविजन्स का भी, तो जहाँ कहीं भी ऐसी कोई डेथ होती है तो कृपया जो भी स्वयंसेवी संगठन है, ग्राम पंचायतें हैं, उसको वो आगे आएं और वो आगे आने के बाद जो आगे आएंगे तो वो एक एग्जाम्पल भी हम अपने समाज में सेट कर पाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा भय की आवश्यकता नहीं है। कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए हम अगर दाह संस्कार इत्यादि सही ढंग से करवा पाएंगे तो बहुत सारा कार्य ऐसा है जो प्रशासन के माध्यम से हो जाएगा और इसमें ग्राम पंचायतें जो है वो एक अभिन्न अंग है प्रशासन का, वो भी आगे आएंगी। मैं इन सारी पंचायतों का कार्य को सराहता भी हूँ और आशा करता हूँ कि बाकी लोग जो जितनी पंचायतें हैं वो भी इसी तरह से अपना एक दाह संस्कार इत्यादि का कार्य या सैनिटाइजेशन का वर्क है उसमें वो आगे आएंगी। आशा करता हूँ कि इस तरह के कार्य करेंगे बहुत जल्दी हम कोरोना को हरा पाएंगे। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।